आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं करा पूसा, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी करा पूसा सेव। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं माला महेश्वरी, कैथी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने ये एक कप बेसन लिया है और एक कप ये चावल का आटा, आधे चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, नमक स्वाद अनुसार, और मैंने पिंच भर नमक और आधे चम्मच कसूरी मेथी लिया है। इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी लगेगा। आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे चम्मच हल्दी पाउडर और मैंने 1.5 चम्मच बटर डाला है। अब इसे हाथों से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा टाइट है तो थोड़ा टाइम लगेगा और इसे पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना है। करा पूसा सेव बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये आधा कप मैंने पानी लिया है, पहले थोड़ा सा डाल के अच्छे से गूंथिएगा, ये ध्यान रखिएगा, पूरा मत एक साथ में डालिएगा। तो ये देखिए, पहले इसे अच्छे से इस तरीके से गूंथ लेना है। तो मैंने इस तरीके से गूंथ लिया है और इसमें से, इस पानी से इतना पानी थोड़ा सा बच गया है। तो अब इसे, ये देखिए, ये जो सेव वाली पतली वाली बारीक वाली होती है, अब इसे सेव वाले स्टैंड में इस तरीके से रखते हैं और थोड़ा सा चम्मच से चारों तरफ से तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये बेसन का चिपके ना। इस तरीके से आधी चम्मच मैंने तेल डाला है और इसे इस तरीके से हाथों से इस तरीके से लोइया बना लीजिए। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप ये करा पूसा सेव जरूर बनाइएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो ये देखिए, सेव स्टैंड में मैंने इस तरीके से रख लिया है और इसे इस तरीके से अच्छे से घुमा के पहले इस तरीके से इसे बंद कर लेना है। ये देखिए, और ये रेसिपी झटपट बन जाती है, खाने में तो कुरकुरी और क्रंची टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने भर लिया है और मैंने कढ़ाई रख दिया, तेल बिल्कुल गर्म है लेकिन मीडियम पे ही रखिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आप घुमाते जाइए मशीन को, ये देखिए। लेकिन ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पास सेव वाली नमकीन वाली मशीन नहीं है तो आपके पास कद्दूकस करने वाला होगा चॉपर, इस तरीके से आप घुमाएंगे तो आपकी पतली पतली सेव निकलेगी, उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे करा पूसा सेव बना लिया है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट और क्रंची कुरकुरी बनी है। इस तरीके से आपको ये 6-7 बार इस तरीके से राउंड राउंड करना पड़ेगा। तो ये देखिए, और ये झटपट बन भी जाता है, खाने में तो लाजवाब ही लगेगा इस तरीके से। देखिए ये बन गया है। अब इसे एक बार मैंने हल्का सा तेल ऊपर से फैला लेते हैं ताकि ये कच्चा ना रहे। अब मैं इसे पलट देती हूँ और इस तरीके से मैंने पलट के ये करा पूसा सेव आपका बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैंने सारे करा पूसा को फ्राई कर लिया। तो चलिए फटाफट सर्व करते हैं। तो ये देखिए, कुरकुरी और टेस्टी करा पूसा बनके तैयार हो गया है। आप इसे पोहे या चिवड़ा या किसी के साथ ये सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसी तरीके से मैंने सारे करा पूसा को बना लिया है। तो इस तरीके से करा पूसा बनाइए और खाइए फटाफट मेरे वीडियो।